हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए पीओईसी का सेकंड पार्ट मैं लेकर के आया हूँ, जहाँ पे मैंने पीओईसी में पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बताया था, उसके कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो आज मैं कुछ नेक्स्ट अपग्रेडेड लेवल क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। मैं पिछले डे बहुत ही ज़्यादा आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैं बताया था, तो आज आपका उसका जस्ट समझिए सेकेंड लेवल का क्वेश्चंस होगा, फिर नेक्स्ट डे आपका उससे ज़्यादा अपग्रेडेड क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे करके आपको पीओईसी पे बेस्ड जो आपको आरसी मुखर्जी में या फिर आपका एन अवस्थी में या फिर जो भी डिफरेंट बुक्स होंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 40 ml of acetone in the presence of 40 ml of oxygen। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है। ठीक है, एंड देखिए क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व होगा, आप लोग देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 का वॉल्यूम डिमांड किया जा रहा है प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ 40 ml ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका एक नया टर्म एसीटोन आ गया है, तो आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसीटोन का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एसीटोन का फॉर्मूला होता है ये होता है आपका एसीटोन का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका है एसीटोन। ठीक है, अब बताया जा रहा है इसका कि इसका आपका 40 ml वॉल्यूम है। ठीक है, 40 ml वॉल्यूम है, आप इसका रिएक्शन कर रहे हैं एक्सेस ऑफ O2 के साथ, इसका आपका अमाउंट दिया हुआ एक्सेस मीन्स आपका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट दिया होगा, मीन्स आपको जितना इसके लिए रिक्वायर्ड होगा उससे भी ज़्यादा अमाउंट आपका इसका दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका कंबसन होकर के क्या बनाएगा, तो ये आपका बनाएगा CO2, ठीक है, प्लस H2O। वैसे मुझे नहीं पता है कि ये कंबसन होकर क्या बनाएगा, बट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 देख लीजिए, यहाँ पे आपका बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 40 ml ऑफ एसीटोन। बस हमको बस इसी दोनों से मतलब है, बाकी आपका किससे रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है या फिर क्या प्रोडक्ट बना रहा है CO2 के अलावा, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप बिना इसके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपको रिएक्शंस लिखने के किसी भी तरह का कोई भी आपका नीड नहीं है, यहाँ पे रिएक्शंस को बैलेंस करने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, आर्य भाषा में चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है CO2 का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आपसे डिमांड किया जा रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका सारा कार्बन एटम आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इजीली लगा सकते हैं POEC फॉर कार्बन एटम। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ऑक्सीजन भी तो है इसमें, ऑक्सीजन के लिए क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो ऑक्सीजन के लिए लगाने के लिए देखिए कितना लंबा चौड़ा आपको मेथड पे जाना पड़ेगा। हाँ, उससे भी बनेगा, बट आपको क्या होगा, बहुत लंबा चौड़ा मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपका हर जगह यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में आपको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है, एंड उसके लायक आपका सफिशियंट डाटा भी नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे में उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम लोग ऐसे पाथ पे जाएंगे जहाँ पे आपका क्या होगा, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग लगा देंगे POAC फॉर सी एटम, कार्बन एटम के लिए लगा रहे हैं हम लोग POAC। ठीक है, तो इस कंपाउंड में देखिए आपका कितना, इस कंपाउंड में देखिए आपका कितना ये है। अच्छा, 40 ml जो दिया हुआ है ना, 40 ml ऑफ एसीटोन एट NTP दिया हुआ है। ठीक है, एट NTP दिया हुआ है,
ठीक। वैसे एनटीपी नहीं भी देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो सब कुछ मेजर्ड किया जा रहा है सब आइडेंटिकल कंडीशंस पे मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिकल कंडीशंस पे मेजर किया जाएगा तो वहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ही बिल्कुल उसी तरह का होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, पी ओ सी फॉर सी एटम की बात करेंगे तो देखिए पी ओ सी फॉर सी एटम की बात करें तो इसके इसके वन मॉलिक्यूल में देखिए कितना कार्बन एटम है, एक दो तीन, तीन कार्बन एटम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, थ्री इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ठीक है, एसीटोन, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए तो आपका वन इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू, ठीक है, कोई डाउट है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, थ्री इंटू यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका 40 ml दिया हुआ है, ठीक। और इसमें इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 22,400 ml से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वन इंटू वॉल्यूम, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू बाई 22,400 ml, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, वी सी ओ टू इक्वल टू थ्री इंटू फोर्टी, थ्री इंटू फोर्टी मीन्स आपका कितना हो गया, 120 ml, यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टू 10 ml ऑफ सल्फर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इफ द एयर कंटेंट 21% ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा कैसे बनेगा, क्या क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 200 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू 210 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इफ एयर कॉन्टेंट 21% ऑफ ऑक्सीजन। चलिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है आपके पास सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जा रहा है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जा रहा है और आपका बन रहा है क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका बन रहा है। यहाँ से देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड, तो इसका आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 210 ml दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एयर का कितना, एयर में सबका क्या, एयर में सबका हम लोग एयर लाएंगे तो वहां पे आपका क्या होगा, उसमें से 21% जो होगा वो ऑक्सीजन कंटेंट होगा, रिमेनिंग आपका ऑक्सीजन नहीं होगा। तो हम लोग को तो यूज तो आपको ऑक्सीजन का ही करेंगे, हम लोग तो यूज आपका क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां से देखिए तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकालना होगा या फिर इसका वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक, कोई डाउट है। तो यहां से देखिए तो लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं पी ओ ए सी फॉर एस एटम, ठीक है, और हम लोग मान लेंगे कि सबका सब एनटीपी पे है, और बताएं भी आपको नहीं भी एनटीपी पे है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब सबका वॉल्यूम को सारे वॉल्यूम को किस चीज में मेजर किया जा रहा है जी, आपका अंडर द सेम कंडीशंस पे मेजर किया जा रहा है, ठीक है, पीओसी फॉर एस एटम। तो देखिए तो यहां से क्या करेंगे, इसके एक मॉलिक्यूल में आपका क्या है, एक ही सल्फर एटम है, तो वन इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसओ टू, ठीक, इक्वल टू यहां भी आपका क्या लिखेंगे, वन इंटू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, तो यहां से आपका क्या हो गया, इसका मोल की बात करें तो 210 बाय मान लीजिए एनटीपी पे होगा, ठीक है। नहीं भी एनटीपी पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि जब आपका जब पूरा का पूरा आपका रिएक्शन एकदम गैसियस रिएक्शन होगा, याद रखिए इस चीज को, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपका बात है, पूरा का पूरा रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है, या फिर आपका क्या होगा कि वहां पे जो भी आप गैसेस जो आप कंपोनेंट होगा उसमें कुछ रिलेशन निकालना है, तो वहां पे वॉल्यूम को आप एज ए मोल ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप वॉल्यूम को एज ए मोल ले सकते हैं, एज ए मोल लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है ना। चलिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एनटीपी पे होगा, वैसे नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, मैं अभी भी जस्ट बताया हूँ, ठीक। चलिए यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, भी और बाई 22,400, ठीक, इसको कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद आपका भी इक्वल टू आपका आ जाएगा 210 ml, मीन्स वॉल्यूम ऑफ SO3 बिल्कुल सिमिलर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ SO2 का। अब हम लोग निकालेंगे ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को POC लगाना पड़ेगा। अब देखिए POC जो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, ऑक्सीजन आपको इस कंपाउंड में प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन आपका इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे POC लगाएंगे तो पूरा का पूरा हम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए तो POAC फॉर O एटम, तो देखिए तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, एंड इसके एक मॉलिक्यूल में तीन ऑक्सीजन एटम है, तो क्या करते हैं देखिएगा, 2 into, ये बताने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 प्लस 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 3 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, ठीक है। ये आपको नहीं समझ आएगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे एकदम अच्छी तरह से बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ इस चीज़ को, ठीक है, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा इसको कि क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि आपका इसके एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, तो आपका क्या होगा, जितना भी मोल होगा उसमें आपका क्या होगा, 2 times ऑक्सीजन का मोल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, इसके एक मोल में दो मोल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसका जितना ही मोल होगा उसका जस्ट डबल आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का मोल होगा, यहाँ पे आपका 3 है तो इसका जितना ही मोल होगा उसका ट्रिपल टाइम्स ऑफ ये होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए तो आपका क्या होगा, 2 into यहां देखिए ये आपको पता है कितना है, 210 बाई 22,400 प्लस 2 into, देखिए यहाँ पे एनटीपी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हम लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के लिए, ठीक। तब का क्या होगा, 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको नहीं पता है तो O2 बाय 22,400, 3 into यहाँ पे देख लीजिए हम लोग ले लेंगे इसका भी कितना, 210 था ना, तो 2 इतना देखिए, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको तो चाहिए सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, 2 into वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो 3 into 210 था माइनस 2 into 210 था, तो यहां से आपका कितना हुआ, 210 आया, 210 ml आया, ठीक है, 2 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आया जी, कितना आया, तो आप इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 105 ml आया, कोई डाउट है, आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकल करके आ गया, बट यहीं तक आपका आंसर नहीं मिला है, ठीक है, यहीं तक आपका आंसर नहीं मिला है, आपसे डिमांड किया जा रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, एयर का वॉल्यूम डिमांड किया जा रहा है, लास्ट में इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए आपका ये डाटा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग, देखिए लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इज भी लेट कर लिए, तो बताइए भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर लेट कर लिए हैं, तो भी का कितना परसेंट आपका, देखिए तो भी का कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन है जी, तो 21% है, अरे 21% है ना ऑक्सीजन कंटेंट, तो भी का 21% निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा, कोई डाउट है, चलिए तो भी इंटू 21/100 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आप 105 निकाले हैं, यहां से देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 times में, ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई आएगा तो भी इक्वल टू आपका हो गया 500 ml, और यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया, एकदम यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है, कोई डाउट है, तो चलिए आप लोग इसे फटाफट एकदम नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो गया हूं, ठीक
नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिए थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चन की रिमूव कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पे आएंगे जिसकी मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा एक सेम टाइप का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 18.2 लीटर ऑफ प्रोपेन एट NTP। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रोपेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोपेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला आपका होता है C3H8। इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराना है तो CO2 प्लस H2 बनेगा। ये क्लास टेंथ में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास टेंथ में आप लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का बर्न करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपका क्या होता है, CO2 एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसका आपका दिया हुआ है 18.2 लीटर, आपसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका वॉल्यूम निकालना होगा। इसका वॉल्यूम निकालना होगा क्योंकि आपको यहाँ पे जिस कंपाउंड में आपका ऑक्सीजन है वो सब का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सब के लिए आपको डाटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे या फिर मोल कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग POC लगा देंगे एंड ऑक्सीजन का निकल जाएगा। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले POAC फॉर सी एटम। ठीक है, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का चाहिए। ऑक्सीजन किस किस में, इसमें है, इसमें है, तो जिस में होगा ऑक्सीजन उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपका इसमें है तो चलिए इसमें निकालते हैं। तो POAC फॉर सी एटम, तो देखिए तब का क्या है, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 है ना, तो क्या करेंगे 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8। ठीक, इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। कोई डाउट है, चलिए यहाँ सबका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H है, H8 है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 18.2 और बाय 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट आप सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लीजिए, हम लोग को कोई उतना जरूरत नहीं है वॉल्यूम निकालने का। ठीक है, चलिए ये आपका निकल गया, ये आपका निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं POAC फॉर एच एटम। तो यहाँ से देखिए तो आपका इसके एक मॉलिक्यूल में 8 आपका हाइड्रोजन एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में आपका 2 हाइड्रोजन एटम है, तो कितना आपका होगा 8 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8। ठीक, इक्वल टू 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ से देखिए तो 8 आपका कितना होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो 18.2 डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल टू आपका कितना होगा, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यहाँ से आपका क्या होगा, 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 18.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे ऑक्सीजन के लिए। तो देखिए तो POAC फॉर O एटम। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यहां से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इक्वल टू, यहां से देखिए तो इसके प्लेस में लिख सकते हैं ऐसा, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम आपका VO2 होगा। ठीक, अब देखिए तो यहां पे आपका क्या होगा, 2 इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं CO2 का, देखिए कितना है आपका, 3 18.2 बाय 22.4 प्लस यहां से देखिए तो आपका इसका कितना है, 4 18.2 डिवाइडेड बाय 22.4। चलिए ये देखिए आपका क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना तो कम से कम आता होगा, ये 22.4 से 22.4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, VO2 इक्वल टू 3 18.2 प्लस 2 18.2। चलिए यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा एकदम बिल्कुल ईजिली निकल गया आपका, 5 18.2 लीटर, मीन्स आपका 91 लीटर, यही आपका क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है,
एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, देखिएगा। 20 ml ऑफ CO वाज मिक्स्ड विथ 50 ml ऑफ O2 एंड मिक्सचर वाज एक्सप्लोडेड ऑन कूलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज सेकेंड विथ KOH। फाइंड the volume of the gas that is left। चलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एंड देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका बोला जा रहा है 20 ml ऑफ CO वॉज मिक्सड विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं रिएक्शन को, CO प्लस O2 और ये मिल करके बनाएगा क्या, CO2, ठीक है। 20 ml ऑफ CO वाज मिक्स्ड विथ 50 ml ऑफ O2 एंड मिक्सचर वाज एक्सप्लोडेड, मिक्सर को एक्सप्लोड किया गया है। ऑन कूलिंग द रिजल्टिंग मिक्सर वाज सेकेंड विथ KOH, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज लेफ्ट। चलिए तो यहाँ से देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एकदम बहुत ही ईजी है। यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग CO2 निकाल लेते हैं। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ये आपका इसका 20 ml दिया हुआ है, इसका सबसे पहले कैलकुलेट करना है, इसका आपका 50 ml दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे POAC लगाते हैं, POAC फॉर C एटम, तो क्या आपका होगा यहाँ पे 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इक्वल टू 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो आपका क्या हो जाएगा 20 ml बाय 22.4, सॉरी ml में है तो हम लोग 22400 से डिवाइड देंगे। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय 22400 ml, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये एंड ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू 20 ml हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू आपका क्या होगा 20 ml हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं और भी आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं POAC फॉर ओ एटम। चलिए तो क्या आपका है ओ एटम, यहाँ भी है देख लीजिए आप लोग, ओ एटम आपका यहाँ भी है, ओ एटम यहाँ भी है, ओ एटम यहाँ भी है, तो हम लोग को तीनों को साथ में लेकर के चलना होगा। तो क्या लिखेंगे, 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो इसका आपका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ है 20 × 22400 प्लस यहाँ पे 2 × VO2 बाय 22400। यहाँ से भी देखिए आपका ये CO2 का वॉल्यूम भी निकला, आपका सेम निकला है 20 × 22400, ठीक है। चलिए
अब देखिए तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग उठा के उधर ले जाएंगे तो आपका क्या होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू इतना माइनस 20, मतलब आपका 20 ml आ गया 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 ml, तो वॉल्यूम ऑफ O2 आपका 10 ml निकला है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 आपका 10 ml निकला है, यहाँ पे सब कुछ आपको निकल चुका है। तो देखिए तो लिए तो हम लोग थे कितना 50 ml लिए थे, ठीक है, आपको लिए थे कितना 50 ml। ठीक है, तो अब देखिए आपका एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, रिजल्टिंग मिक्सचर वॉज सेकेंड विथ KOH के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक करेंगे रिजल्टिंग मिक्सर को, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपका अलग चीज़ होगा ना, तो वो आपको क्या होगा कि KOH के पास आपका प्रॉपर्टीज होता है CO2 को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, जहाँ कहीं भी इस तरह का लाइन आपका आ गया सेकेंड विथ KOH, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CO2 को जितना भी आपको CO2 रहेगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो CO2 को सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिजल्टिंग मिक्सर में बचेगा क्या, रिजल्टिंग मिक्सर में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको CO2 को छोड़ करके जो भी गैस होगा वही सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन का ओनली 10 ml आपका यूज हुआ रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन में ओनली 10 ml यूज हुआ है, तो आपको रिएक्शन में कितना ml बच जाएगा जी, लिए थे 50 ml तो बचेगा कितना 40 ml। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ, KOH एब्जॉर्ब्ड ऑल CO2 मॉलिक्यूल्स, सो द ओनली ऑक्सीजन गैस रिमेंड इन द सॉल्यूशन, तो वही रिमेनिंग अमाउंट जो हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ O2 तो कितना होगा, आप लोग लिए थे कितना 50 ml और आपका यूज कितना हुआ 10 ml, तो कितना आपका बच गया 40 ml, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, तो ये आपको POAC का सेकेंड लेवल का क्लास था। ठीक है, सेकेंड लेवल का क्लास था, अब आप लोगों को नेक्स्ट टू वीडियो मिलेगा, वहाँ पे दोनों का दोनों थर्ड लेवल के होंगे, मिस आपका वहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे मिलने वाले, एकदम बिल्कुल प्योर IIT का, प्योर IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिएगा आप लोग वहाँ पे, आप लोग इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट टू वीडियोस को एकदम अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको नेक्स्ट थर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, आपको IIT JEE एडवांस में किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा POAC से रिलेटेड, तो मैं एकदम गारंटी लेता हूँ कि आप लोग एकदम बना करके आएंगे, सबसे पहले इसी को बना करके आएंगे, एंड बहुत ही ईजी भी होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट का यूज होता है, थोड़ा लंबा है मत है, ठीक है, बाकी बात सब एकदम बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।